जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीएड और बीटीसी के ऊपर आपका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, उसी केस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इस केस एवं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं वह समय समय पर मिलते रहे। तो मित्रों, यहां पर आप देखिएगा, जो आपका बीएड बीटीसी का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग रखी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम बात देख लेते हैं कि अपना जो केस था वह क्या है। तो दोस्तों, जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह अपना केस था, उसमें आप देखोगे जो आपका डायरी नंबर था, यानी कि जो आपका केस दर्ज हुआ है उसमें आपका डायरी नंबर 30718/2022-2021 था। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी डेट है, यानी कि आप जो आपकी सुनवाई है वो आपकी प्रेजेंट और लास्ट, यानी कि आज और आज की लास्ट, यानी कि आज कोई ना कोई आपका अंतिम निर्णय आने वाला है। अब वह बात का मैटर है कि आपका जो निर्णय है वो बीटीसी की तरफ आएगा या फिर आपके बीएड के पक्ष में आएगा। यह तो आपका कोर्ट जब समाप्त हो जाएगा, जब ऑफिशियल स्टेटस जारी होगा, उसी के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज आपकी एक और आपकी लास्ट सुनवाई है जो आप यहां पर देख रहे हो, 12 जनवरी 2023। और दोस्तों, जो आज इसके जो हैंडल करेंगे इस केस को, वो आपके मिस्टर अनिरुद्ध बोस, जो आपके आपके सुप्रीम कोर्ट में जो एक न्यायमूर्ति की भूमिका निभाएंगे, जो आपके वकील हैं दोस्तों, मिस्टर अनिरुद्ध बोस और मिस्टर जो आपके सुधांशु धूलिया, यानी कि आप यहां पर देख रहे हो दो आपके जो एडवोकेट है वो इस केस को देखेंगे। वहीं पर मित्रों, जो आपका कोर्ट नंबर है, यानी कि कोर्ट नंबर आपका 11 है। वहीं पर दोस्तों, जो आपका सीरियल नंबर है वो 28 है। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कुछ देर पहले जो आपका जो केस नंबर 2 चल रहा था, यानी कि जो सीरियल नंबर 2 था वह चल रहा था, लेकिन दोस्तों अब लंच हो गया है। लंच के बाद आपके केस को रखा गया है। लंच के खत्म होते होते जब आपका केस शुरू होगा, तो दोस्तों जब अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे जो मिस्टर अनिरुद्ध बोस है और आपके जो सुधांशु भूलिया है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हो आज क्या होने वाला है आपके केस में। तो जो आपके बीएसटीसी के खिलाफ जो मीनाक्षी मैम है, वो जो कपिल जी है, वो अपना बयान प्रस्तुत करेंगे। और जो आपके क्रॉस जो आपके सेक्शन है, जो आपके क्रॉस जो बयान आ रहे हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज की कार्यवाही होने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपका जो भी स्टेटस आए वह आपको पता चल जाए। और मित्रों, जैसे ही कोई भी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी स्टेटस जारी होता है या फिर कोई भी अपडेट आती है, तो AKGS रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के माध्यम से जो भी अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लंच खत्म हो गया है, आपकी कार्रवाई शुरू होने वाली है। कोई भी अपडेट आएगा तो मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।